नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में। स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने एक बार फिर से अपना नाम, हम देशवासियों का नाम विश्व में ऊंचा किया है। और ऐसा इस बार इसलिए हुआ है क्योंकि इसरो ने लॉन्च किया है या फिर टेस्ट किया है अपना एक स्पेशल मिशन जिसका नाम है RLV-LEX। हालांकि अभी ये टेस्टिंग है और बहुत ही जल्द अब हम उसको मूर्त रूप में, यानी कि इसके फाइनल रूप में हमको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर हुआ, इसकी क्या खासियत है, क्यों इसको लॉन्च किया गया और क्या क्या इससे हमको फायदे हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंतिम तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो मुद्दे की बात जो यहां पर करी जा रही है, जो चर्चा का जो विषय है वो क्या है। शॉर्ट में हम समझते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहां या फिर विश्व में कहीं पर भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जब धरती से छोड़े जाते हैं और पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में उसको रखे जाते हैं, चाहे आप लोअर ऑर्बिट की बातें करिए चाहे आप ऊपर वाले ऑर्बिट की बातें करिए, तो होता यूं है कि जिस सैटेलाइट को हम ऊपर छोड़ते हैं उसके साथ साथ एक और व्हीकल जाता है। या फिर यूं कहूं, उदाहरण के तौर पे ये मेरे पास सैटेलाइट है जिसको हमको पृथ्वी की कक्षा में छोड़ना है, तो इस सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक व्हीकल की नीड पड़ती है जिसको हम लोग जानते हैं लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना, मतलब एक वाहन की नीड पड़ती है जिस वाहन को हम लोग जानते हैं लॉन्च व्हीकल के रूप में। तो आप लोगों ने सुना होगा PSLV सुना होगा, आपने SLV सुना होगा, आपने GSLV सुना होगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल होते हैं। अब क्या होता है मेरे दोस्तों कि अभी तक लॉन्च व्हीकल जो होता था वो साथ ही साथ चलता था, जैसे कि ये सैटेलाइट है और ये लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट ऊपर फिट है यहां पर, लॉन्च व्हीकल इसको ऊपर लेकर जाता था, सैटेलाइट खुला, सैटेलाइट खुलने के बाद उसने अपना काम करना प्रारंभ किया। हो सकता है मौसम संबंधी हो सकता है वो आपका रक्षा संबंधी हो सकता है कुछ खनिज अन्वेषण से संबंधित हो, जिससे भी रिलेटेड हो। अब होता यूं है कि सैटेलाइट तो अपना काम कर रहा है, जिस व्हीकल से हमने उसको लॉन्च किया था, जो व्हीकल उसको ऊपर लेकर गया था, वो वहीं पर भटकते रहता है, भटकती आत्मा की तरह घूमते रहता है अंतरिक्ष में। बोले कि सर तो क्या दिक्कत है, हमारे देश में थोड़ी घूम रहा है, वो तो अंतरिक्ष में घूम रहे ना। प्रॉब्लम यह है कि भाई आप अंतरिक्ष में एक बार तो छोड़ नहीं रहे हो, जितने बार आप लॉन्च कर रहे हो उतने बार आप वहां पर छोड़ रहे हो। और ना सिर्फ आप जो है अपने देश के अलावा दूसरे देशों का भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो। साथ ही साथ अगर मैं बातें करता हूं तो दूसरे देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उनको क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसे केस में क्या होगा कि एक समय के बाद पूरा का पूरा जो स्पेस है, पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है, वो इस कचरे से भर जाएगा। ठीक है ना, और इससे क्या हो सकता है, हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे संदर्भ में, अगर मैं बातें कर रहा हूं फॉर एग्जांपल जिस पाथ से होकर जाना है वहीं पर कोई सैटेलाइट लगा हुआ है या फिर वहां पर कोई आपका ये जो GSLV या PSLV का जो आपका लॉन्च व्हीकल है वहां पर पड़ा हुआ है, आपने दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके निर्देशन में या उसके नेविगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, उल्का पिंड वगैरह जो टकराते हैं उनके कुछ कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो कि हमारे लिए और साथ ही साथ पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकती है। अब हम यहां पर क्या किए हैं कि जो व्हीकल ऊपर लेके जाएगा छोड़ने के बाद इन द सेंस इस सैटेलाइट को वहां पर छोड़ने के बाद, वो व्हीकल वापस नीचे आएगा। इसका जो टेस्टिंग है वो कहां पर किया गया, इसका टेस्टिंग किया गया है हाल ही में, यानी कि 2 अप्रैल को कर्नाटका के चित्रदुर्ग में। कहां पर है सर चित्रदुर्ग, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो और स्पेशली जब खनिज वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं, मिनरल्स जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर आप देखते हैं ये चित्रदुर्ग बिल्कुल कर्नाटका और आंध्रा बॉर्डर, मतलब आंध्रा के बॉर्डर पर है, ये कर्नाटका का पूर्वी क्षेत्र है। यहां पर क्या किया गया, टेस्टिंग रेंज में इसका टेस्ट किया गया। जैसे मिसाइल का जो टेस्टिंग रेंज होता है चांदीपुर में, जिसको हम ITR के रूप में जानते हैं, ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वैसे ही यहां पर जो होता है उसको हम लोग जानते हैं ATR के रूप में। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, ATR। ATR का मतलब होता है, देखिए, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, दिस इज फॉर मिसाइल, और ATR जो रहते हैं तो तुम्हारा होता है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। और जब हम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज की जब भी बातें करते हैं तो जहां पर भी एरोनॉटिकल वर्ड एड होता है तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है वहां पर भारतीय वायुसेना का। आप बोलोगे सर इस रेंज में या फिर इस टेस्ट रेंज में या फिर इस टेस्टिंग में इंडियन एयरफोर्स का क्या योगदान, हम तो बात इसरो की कर रहे हैं, हम तो बात स्पेस मिशन की कर रहे हैं, तो फिर भारतीय वायुसेना का क्या योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्हीकल की हम बातें कर रहे हैं, जिस व्हीकल को उस ऊंचाई पर लेकर गया, जो उसको उठाकर लेकर गया, उसके बाद जहां से लैंड हुआ तो जो उठाकर लेकर जाने वाला था उस हेलीकॉप्टर का नाम था बेटा, याद रखना, चिनूक। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि चिनूक हेलीकॉप्टर है और कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है किसका है, वो भारतीय वायुसेना का है, और ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक क्यों है, आइए समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, मतलब यहां पर एक ब्लेड इधर भी मिलेगा और एक ब्लेड इधर भी मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे हेलीकॉप्टर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, विश्व में कुछ ही देश है जिनके पास इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं। और जनरली इनका जो उपयोग है
हैवी जो आपके लोड वगैरह रहते हैं उनको उठाने के लिए, या फिर जो हैवी मिलिट्री वर्कर रहता है, एयरफोर्स वाला वर्कर रहता है, बहुत ही अर्जेंट वाले जो काम होते हैं उनको उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया, उसको लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक हमने क्या किया, उसको उठाया। उठाने के बाद अच्छा देखिए, ये अभी हम क्या कर रहे थे, हम टेस्टिंग कर रहे थे। टेस्टिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बातें करूँ, कोई चीज़ हमको पहले बनाना होता है तो एकदम सीधे सीधे बड़े तौर पर हम नहीं बना देते। जैसे बिल्डिंग बनाना होता है तो बिल्डिंग बनाने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर टेस्ट करी जाती है। रोड बनाना होता है तो रोड बनाने के भी पहले बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो टेस्ट किया जाता है ना। आप जैसे पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के पहले आप खुद का टेस्ट लेते हैं, तो वैसे ही फाइनल होने से पहले हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट लेंगे। तो उसी प्रकार से पहले क्या किया गया, यहाँ पर टेस्ट लिया गया। टेस्ट कहाँ पर लिया, मैंने बताया टेस्ट किया गया चित्रदुर्ग कर्नाटका पर, क्योंकि कई बार प्लेसेस भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेसेस याद रखना, दिन जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 अप्रैल सुबह 7 बजे लगभग। तो इसको, इस प्रोटोटाइप को लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर गया। कौन लेकर गया, ये चिनूक हेलीकॉप्टर। और ले जाने के बाद क्या हुआ बेटा, कि इसको वर्टिकली यहां से छोड़ा गया। कैसे वर्टिकली छोड़ा गया, आइए मैं आपको यहां पर बताता हूं, है ना। वर्टिकल छोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखो, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये रहता ऐसे है, ये इसको मैं हॉरिजॉन्टल कहूंगा, लेकिन जब ये इस प्रकार से आने लगे ये ऐसा, तो इसको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, वर्टिकल के रूप में जानते हैं। एकदम सिंपल सी कहानी है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। उसके बाद जब ये धरती के निकट आया तब ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होने लगा, मतलब जब उसको ऊंचाई से छोड़ा गया था तो ये सीधा नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल गिरा। वर्टिकल होने के बाद जब ये लैंड कर रहा होता है तब देखिए इस प्रकार से ये आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता है। और जिस प्रोटोटाइप की हम बातें कर रहे थे वो यही प्रोटोटाइप है, इसी के यहां पर टेस्टिंग करी गई थी, और टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली रही। सक्सेसफुल होने के बाद अब इस पर बहुत जल्दी वर्क किया जाएगा और उस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाया जाएगा। यहां पर आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर लगा हुआ है, है ना, जिसके माध्यम एक पैराशूट की तरह आपको देखने को मिलेगा, और इसके माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है, क्योंकि हाई स्पीड है, बहुत ज्यादा यहां पर स्पीड था। अब आप पूछेंगे सर, इतनी सारी चीजों को करने के लिए क्या क्या चीजों की हमको आवश्यकता पड़ी, मतलब अगर इतना सारा चीज यहां पर हुआ तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमने सिस्टम्स वगैरह यूज किया होगा। जी हां बिल्कुल, इन सभी टेस्टिंग के लिए हमने जो है एडवांस सिस्टम जो है वो यूज किया था, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम, जिसकी हमने बातें करी है। आप सभी को पता होना चाहिए हमारे इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक। ये कई बार आपके पेपर में भी पूछा गया है ना। तो नाविक हमारे एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे हम लोग अलग अलग नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं अपने कारों में, वैसे हमारे पास है नाविक। हमने उनको ब्रेक लगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि भाई यहां पर कोई इंसान नहीं रहेगा, याद रखना उस प्रोटोटाइप की जो हमने बातें करी, जो आपको दिखाया, उसमें कोई इंसान नहीं बैठा था। सारा का सारा चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से क्या किया जा रहा था, उसको नियंत्रित किया जा रहा था। तो यहां पर ये सारे के सारे सिस्टम रहेंगे, जैसे कि हमने देखा ब्रेक पैराशूट सिस्टम देखा हमने, स्वदेशी लैंडिंग गियर, मतलब जहां पर जब धरती से, सॉरी आसमान से जब नीचे आता है तो लैंड होने के लिए उसकी स्पीड को कम करी जाती है, इंडिजीनियस लैंडिंग गियर जिसको हम कहते हैं। एक आपको कार्ब एंड रडार देखने को मिलेगा, ये कार्ब एंड रडार क्या रहता है, स्पीड को सेंस करता है, मतलब कहां पर गति कैसी रहनी है, नहीं रहनी है, कहां पर बढ़ानी नहीं बढ़ानी एंड ऑल, तो उसको हम कार्ब एंड रडार के रूप में जानते हैं। इसके अलावा हम यहां पर अल्टीमीटर मतलब वो हाइट मेजरमेंट करता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा क्योंकि बेसिक साइंस में सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या था, हमारा ये जो सिस्टम है वो लेस था। साथ ही साथ अगर यहां पर हम बातें करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिससे हम इंडियंस को, अगर मैं बातें करूं, फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, इसके जरिए हमने क्या बोला कि ये हमारे पास सैटेलाइट था, ये हमारे पास लॉन्च व्हीकल था। हमने क्या किया, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ कर आया, और उस समय लॉन्च व्हीकल भी पहले यहीं पर रहता था। अब क्या कर रहे बेटा, ये लॉन्च व्हीकल है वो नीचे आ रहा है। आप मान के चलिए कि भाई आप किसी बस से या किसी गाड़ी से जाते हैं और वो गाड़ी वहीं पे छूट जाता है आपके साथ, फिर कहीं दूसरे बार जाते तो फिर से हर बार आपको छोड़ने के लिए कोई नई गाड़ी लेनी पड़ती है, कोई नई गाड़ी हर बार जाती है, तो उससे नुकसान होगा आपका, वो गाड़ी का कोई यूज़ नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, एक बार इसने सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा, अभी वापस आएगा, इसीलिए बोला गया रीयूजेबल, मतलब इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस सैटेलाइट को फिर से हम दूसरा, सॉरी इस लॉन्च व्हीकल को हम फिर से दूसरा सैटेलाइट भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए लगे इसको रीयूजेबल। दूसरा अगर यहां पर हम बातें करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी लागत में कमी आएगी, मतलब जो हम नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगाते थे उस पैसे में हमारे पास कमी आएगी, यानी उस पैसे में हमारे पास खर्चे कम हो जाएंगे, उस खर्च को हम किसी दूसरे माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर हम बातें करते हैं तो ये जो चीज है, मतलब जो अभी बनाया गया या फिर जो टेस्टिंग करी गई है, ये अपने आप में पहली बार नहीं है, इसके पहले भी एलन मस्क की कंपनी है, आप सभी को पता होगा स्पेसएक्स है ना, तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उन्होंने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग कर चुका है, जिसका क्या नाम है बेटा,
याद रखना फैल्कन 9 करके था ये, तो फैल्कन 9 को ऑलरेडी इन्होंने आज से 3-4 वर्ष पहले ही लॉन्च कर चुका है और सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कर चुका है। तो हालांकि हमारे लिए अपने आप में नया था, हमारे लिए पहला था, और सफलतापूर्वक टेस्टिंग होना इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जरूर कुछ अच्छा करेंगे, साथ ही साथ दुनिया का नाम हम इस क्षेत्र में है ना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जरूर रोशन करेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट और अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कैसा लगा इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सभी ऑफलाइन सेंटर्स यानी कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर पर PSC इंटीग्रेटेड एंड प्रीलिम्स साथ ही साथ SSC और बैंकिंग की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो देरी मत करिए और दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और अपना सीट बुक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।